स्वीट पोटैटोस ना बहुत इजी तरीके से हम स्टीम करेंगे, वो भी इडली स्टैंड में, और फटाफट से हो जाता है। तो देखिए, मैंने 1 kg स्वीट पोटैटोस ले रखा है, और इडली स्टैंड में पानी डाल देते हैं 1 से 1.5 गिलास, और इसमें सारे 1 प्लेट रख लेते हैं इडली स्टैंड की। इसमें सारे स्वीट पोटैटोस डालने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे, और फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लगता है स्टीम करने से। अगर हम पानी में बॉईल करते हैं तो इसका फीका सा स्वाद हो जाता है और मीठा इतना नहीं रहता है। अगर स्टीम करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, एकदम बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो गैस चालू करके मैंने गैस में रख दिया इसको, 15 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट में आराम से पक जाते हैं। तो मैंने 10 मिनट में देखा था, तब नहीं पका था, और ये मैं 15 मिनट पर फिर 5 मिनट और पकाया, तो 15 मिनट पे एकदम परफेक्ट ही पक चुके हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस अब गैस बंद कर देते हैं और सारे स्वीट पोटैटोस निकाल लेते हैं। और आप मेरे जैसे हाथ से पकड़ के मत निकालिएगा, जलने का बहुत डर होता है, आप चमेटे से पकड़ के निकाल लेना। और देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये अभी भी बहुत गर्म है, अभी निकाला है। तो इसको तोड़ के मैं एक दिखाती हूँ, और छिलका थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, कितनी इजी तरीके से छिलका निकल जा रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट कुक हुआ है और बहुत बढ़िया है। तो आप व्रत में खाइए, या ऐसे भी जब खाने का दिल करे तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, क्योंकि हर एक के घर में आग या सिटियों में कहाँ आग की व्यवस्था होती है, आग के भुनने हुए बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन हम इस तरह से भी स्टीम कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे स्वीट पोटैटोस पक जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।